और या जो ले ले रहे हो। ये अपनी बाइक की ब्रेक इस वजह से लगाई है कि ये वाला जो भाई है इसको लिफ्ट चाहिए थी, तो चलो जी इसको भी बिठा लेते हैं साथ में। इधर को जा रहे हो भाई? भाई वो बात है, भाई बात है। ये जी हम चूनिया ठहरे जो है, ये देखिए ये बोर्ड लिखा हुआ है इधर चूनिया के बाईपास का, उन्होंने बताया हुआ है कि कितनी दूर है। तो वैसे मौसम बहुत प्यारा हो रहा है जी। वेलकम करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल चाहत व्लॉग में। तो चलिए हम अपना व्लॉग जो आज का है हम उसको स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है वारस चाहत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चाहत व्लॉग। अब हम जाने लगे हैं हुरिया की नानों के पास और उनको लेकर आना है मैंने, और बाकी का व्लॉग जो है हम आपको रास्ते में आपको बताऊंगा। चाबी इसको मैं लगाने लगा हूँ इसके अंदर, इसको ऑन करते हैं और चलते हैं। ये सारा हमारी गली का हाल है, ये हमारा चूनिया रोड है। यहाँ पर से मुझे पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल की कीमत अभी 273 रुपये ही है, अभी वही कीमत है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई 200 का डाल दो, ये पकड़ो भाई 200 का, 200 का डाल। हमने 300 बकाया लिया है और अब हम जा रहे हैं। जो बंदा अभी मेरे चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है ना यार। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार इसने अभी इधर सॉन्ग लगा देता या कोई साउंड लगा देता तो बहुत अच्छा हो जाना था, व्लॉग अच्छा बनना था। लेकिन भाई मेरे मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक जो चैनल है उस पर स्ट्राइक आ चुकी है और मेरा चैनल आई थिंक सो बंद होने के करीब है। उस पर 900 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, 953 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी उस पर जो है व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे और वैसे भी जो था वो मोनोटाइज के लिए हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था मैं, तो जिसकी वजह से मुझे अब यहाँ पर ख़ुद बोलना पड़ रहा है बजाय इसके कि मैं साउंड लगाऊं या कोई भी गाना सिंपल सा कोई भी साउंड मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। मुझे ये डर है कि ये ना हो कि इस चैनल पर फिर से मेरे इस चैनल पर भी स्ट्राइक या कोई कॉपीराइट का क्लेम या कोई इशू आ जाए इस वजह से। तो दोस्तों आपको मुझे ये ना ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये झेलना पड़ेगा क्योंकि मैं जो पहले सारा व्लॉग बना है आपने देखा है वो बने नॉर्मल से, अब ये जो बन रही है ये बन रही है वाइड कैमरे से, वाइड जो इसके अंदर कैमरे का ऑप्शन है उससे। यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, निज़ामपुरा से आगे गुजर चुका हूँ और निज़ामपुरा से आगे का भी बहुत प्यारा नज़ारा है क्योंकि मैं हबीबाबाद से टिंग मोड़ की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी वजह से इसका नज़ारा जो है काफ़ी देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी बादल थे, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला था, जिसकी वजह से मुझे ये इसका नज़ारा और भी ज़्यादा प्यारा लगा। ये अपनी बाइक की ब्रेक इस वजह से लगाई है कि ये वाला जो भाई है इसको लिफ्ट चाहिए थी। भाई को लेकर इस वक्त मैं जा रहा हूँ चूनिया वाली साइड पे, चूनिया बाईपास वाली साइड पे, और इसको भाई जहाँ कहेंगे मैं उसको उधर उतार दूंगा। फिल वक्त के लिए मैं गुजरने वाला हूँ जो कि नहरें हैं उसके ऊपर से हम क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वाली जो नहरें हैं ये पीछे से एक आती है लेकिन इधर आते आते ये दो हो जाती हैं और ये देखिए काफ़ी कमाल का नज़ारा है। तो इधर मैं भाई को उतारने लगा, उसने कहा मुझे उतार दो, वो बाँस का काम करते हैं, बांस का काम करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, अस्सलाम। ठीक है भाई, बहुत मेहरबानी, आपने हमारा साथ निभाया है। इधर उन्होंने बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं कि जिन्होंने हबीबाबाद की तरफ जाना है वो कितने किलोमीटर है और बाकी का जो एरिया है। इधर काफ़ी ज़्यादा मौसम प्यारा हो रहा है लेकिन मैंने तो चूनिया की तरफ जाना है। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं चूनिया बाईपास से आगे की तरफ और चूनिया से थोड़ा सा पीछे। इनको पंजाबी ज़बान में टाए बोलते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा खाली एरिया में और मिट्टी के बने हुए पहाड़ हैं छोटे छोटे। ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा फ़ौज का एरिया है और यहाँ पर फ़ौजी जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान पाया जाता है, चाहे बंदा रात को आए या दिन को। दिन को आम रूटीन में थोड़ी सा रश होता है
यहाँ पर, लेकिन रात को जो है काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है। एक सड़क इसकी चूनिया के अंदर चली जाती है, जो जिस सड़क से मैं जा रहा हूँ ये भी चूनिया के सिटी को जाती है, और ये वाली जो चूनिया का अड्डा है यहाँ पर, ये चूनिया के अड्डे से मैं गुजर रहा हूँ, और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना भाई, ये सारी उम्र हो गई है मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, ये पानी ऐसे का ऐसा ही है। इस वक्त मैं चूनिया के अंदर से गुजर रहा हूं, और ये चूनिया के पास से गुजरते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जो कि ठींग मोड़ का इलाका बोला जाता है, और ठींग मोड़ से मतलब इलाहाबाद से थोड़ा सा पीछे हैं, और ये चूनिया के अभी एरिया चूनिया का ही बोला जाता है, लेकिन ये चूनिया से आगे गुजरने वाला है। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, और आप मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब मैं इस जगह पहुँचा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशबू आई, जब मैंने गौर से देखा तो दोस्तों मैंने क्या देखा कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो फूल थे गुलाब के, उसको रोड पर लटा दिया गया था। लेकिन बाद में जब मुझे तहकीक करने पे पता चला कि भाई ये गुलकंद बनाने के लिए रोड के ऊपर जो है धूप में या छांव में इन फूलों को सुखाया जाता है, और बाद में इसकी गुलकंद बनाई जाती है, जो कि बाद में बीमारी काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को काटने के लिए काम आती है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियों को हल किया जाता है दोस्तों, ये गुलकंद इस चीज़ के लिए काम आती है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने ससुराल। फाकत भाई क्रिकेट खेल रहे हो? वापसी पे भी मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था, और दूर दूर तक ऐसे लग रहा था जैसे कि बादल जो हैं वो ज़मीन पर उतर आए हैं, और मैं और मेरी सासू माँ हम सारे तीनों लोग हम वापस आ रहे थे मेरे घर में हबीबाबाद। तो ये मैं कुछ अपने मनाजर भी अपनी तरफ कैमरा करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें हम कितनी स्पीड से आ रहे हैं, ताकि जो बारिश है वो हमें रास्ते में ना पकड़ ले। तो दोस्तों अगर जिस बंदे को मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक किसी ने नहीं किया तो यार वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, मैं इस जैसे और भी बहुत ज़्यादा व्लॉग लेकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।